चुका होगा, वो भी नौजुबिल्ला उसको खुदा मान चुके होंगे। तो अब ये क्लैश होता है ह्यूजेस्ट एवर, ह्यूज तो छोटा वर्ड है, इसको ह्यूजेस्ट कहें, एवर वॉर जो होगी ना वो होगी, ये मलहमा तो लुजमा से भी बड़ी चीज होगी। और इसमें फिर वो जंग होगी कि देखें, पता नहीं हमें क्यों बड़ा ज़रूरी समझते हैं कि अल्लाह का जो बंदा होगा उसको पता नहीं क्यों हम इतना ज़्यादा नौज़ुबिल्ला बैकवर्ड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्योंकि इमाम मेहदी अल्लाह की तरफ से खलीफा होंगे, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तलवारों, नेज़ों, भालों और ज़िरह तक बात थी, तो वो भी वैसे ही होंगे। यानी कोई अल्लाह के किसी बंदे को टेक्नोलॉजी और एडवांस चीज़ इस्तेमाल करना पता नहीं हम क्यों एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हालांकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखें, उनका जो दौर था, उनका मुकाम था, इंतहाई मॉडर्न था। हत्ता कि वो यमन की जो मलका है, मलका सबा, वो आती है तो उनका फ़र्श उनके महल का ऐसे होता है कि वो अपने पैंचे ऊपर उठा लेती है कि मेरे पैंचे और कपड़ा गीला ना हो जाए। वो शीशे का फ़र्श और इस कदर खूबसूरत बनाया गया होता है, और ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और स्पिरिचुअली जो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड टाइम होता है कि जो किसी ने देखा नहीं होता कभी, इवन उस दौर के लोगों के लिए बड़ी अजीब बात होती है। तो हमने एक बड़ा ज़रूरी समझा हुआ है कि हम क्योंकि इमाम महदी अल्लाह की तरफ से होंगे, अल्लाह की निज़ाम दुनिया में कायम करेंगे, तो दुनिया का बैकवर्ड होना दोबारा बहुत ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी हदीस में ऐसी कोई बात है, ना किसी रवायत में है, ना किसी का कौल है। ये सिर्फ लोगों के जहन की बातें हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इमाम महदी का जो दौर होगा इंतहाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस दौर होगा, और जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान की जो रहमतें बरकतें उनको अता फरमा दी थी, ख़जाने खोल दिए थे, उसी तरह से उस दौर में भी अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें बरस रही होंगी, और वो चीज़ें दुनिया देखेगी जो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखी होंगी। हाँ, ये बातें जो लोगों के जहन में हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि एक रवायत में कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो कुछ लोगों को भेजा जाएगा कि जाकर देखें और ख़बर लेकर आएँ, तो आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे उनके उनके घोड़ों के नाम और उनके नाम और उनके वालिदैन के नाम, वालिद के नाम तक मालूम है। और कमा कौल अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए। तो लोग इन अल्फाज से ये समझ लेते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जी घोड़ों पर ही सफ़र करें, तो उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत से हमें मालूम होता है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होकर आएगा उसके कान सतंबे होंगे। वो कौन सा गधा होगा? वो तो जहाज़ की बात हो रही है कि जिसके ऊपर वो सफ़र करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में थे उन्होंने वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑल्दो दिखाई जाती थी वो चीज़ें, फ्यूचर की चीज़ें, और लेकिन उन्होंने उनको ऐसे बयान करना होता था ताकि सहाबा जो उस दौर के रहने वाले लोग हैं, जो कबायली बोदोबाज जिनकी है, वो उस दौर को उस बातों को उस दौर की मिसालों से समझ सकें और आगे तक पहुंचाई जाती रहें हत्ता के हमारे दौर तक पहुंच जाएं और हम उसको समझ जाएं। तो उन घोड़ों की और जो तलवारों और नेज़ों की जहां पर भी बात हुई है ज़्यादातर वो मिसाली बातें हैं ताकि हमारे दौर के लोग इन बातों को समझ के उनको निशानियों को अच्छी तरह से आज के दौर के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकें। जहाँ तक बात यह आ जाती है क्या फ्यूचर में कभी ऐसे भी होगा कि तलवारों, भालों, नेज़ों से जंगें लड़ी जाएंगी, तो देखें इमामुल महदी के दौर में तो इंतहाई एडवांस जंग होगी, मिज़ाइल, टेक्नोलॉजी, टैंक्स, जो कुछ भी, और फाइटर जेट्स, ये सब कुछ होगा, और इसके ज़रिए से जो ग़ज़वतुल हिंद है वो भी लड़ी जाएगी, मलहमतुल कुबरा जो है वो अजीम जंग, उसमें भी मुसलमान फतह याब होंगे। लेकिन और उसके बाद क्या होगा कि फिर जब मुसलमानों की हुकूमत दुनिया में कायम हो जाएगी तो 7 साल तक अमन रहेगा और ज़मीन अपने ख़जाने खोल देगी, आसमान अपनी बारिश का सब बरसा देगी, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें होंगी, कोई परेशान हाल नहीं होगा। वो 7 साल के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा, 7 या 9 साल रवायात में आता है। अब अपार्ट फ्रॉम अदर डिटेल्स, दज्जाल
के साथ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जंग होगी। मुसलमान इस वक्त कौन होंगे? दुनिया के रूलर्स, सॉरी की सॉरी, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में इंसानियत ने नहीं देखी। और उस तरफ दजाल होगा जिसके पास नऊज़ुबिल्ला वो पावर्स होंगी कि जो नऊज़ुबिल्ला प्रूव करने में कामयाब हो जाएगा, लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा, प्रूव तो नहीं करेगा, वो झूठा दावा होगा, कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा, झूठे तरीके से स्कैम करने में कामयाब हो जाएगा कि वो नऊज़ुबिल्ला खुदा है। तो इमेजिन करें उसकी पावर्स कितनी होंगी। अब ये यानी कि ज़मीन के ऊपर ऐसी पावर्स जो खुदाई दावे कर सके, इवन फिरौन ने भी खुदाई दावे किए, लेकिन वो पावर्स तो फ्रैक्शन ऑफ पावर्स नहीं थी जो दज्जाल के पास होंगी। जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा लोगों का रिज़्क रोक देगा, उसके साथ जन्नत होगी, जहन्नुम होगी, जिसकी जो इसकी बात मानेगा उसको जन्नत देगा, उसको खजाने देगा, रिज़्क देगा, जो बात नहीं मानेगा उसको खुदा नहीं मानेगा उसको आग में डालेगा, तकलीफ़ में डालेगा। सो पावर्स होंगी, हत्ता के रवायात में ही आता है कि एक शख्स को आरे से ज़बा करके दो टुकड़े करेगा और फिर दोबारा जब वो मर जाएगा वो शख्स, तो उसको दोबारा ज़िंदा कर देगा, इस कदर पावर्स होंगी। तो इमेजिन करें पूरी की पूरी एक सुपर पावर, क्या दुनिया के ऊपर एक गवर्नमेंट है और मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उनके पास है। इमामुल महदी अलैहिस्सलाम उसको लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ नऊज़ुबिल्ला खुदाई पावर्स वाली चीज। अब ये दोनों का क्लैश होता है तो क्या होगा? ये लोग दज्जाल से जंग करते हैं और दज्जाल आगे से फाइट बैक करता है। इमेजिन करें क्या होगा। दज्जाल के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो अकेला होगा, वो मोस्ट ऑफ द इंसानियत को भी तो साथ मिला चुका होगा, वो भी नऊज़ुबिल्ला उसको खुदा मान चुके होंगे। तो अब ये क्लैश होता है ह्यूजेस्ट एवर, ह्यूज तो छोटा वर्ड है, इसको ह्यूजेस्ट कहें, एवर वॉर जो होगी ना वो होगी। ये मलहमतुल उज़्मा से भी बड़ी चीज होगी और इसमें फिर वो जंग होगी कि सॉरी मिसाइल, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, हर चीज इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, दुनिया का निजाम धर्म भरम होकर रह जाएगा, बिजली, पानी, मवासलात, हर चीज खत्म। अब फिर दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाएंगे तो फिर दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा, पीछे जो दुनिया रह जाएगी, अब वो दुनिया वो होगी कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी।